अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा यहाँ डे थ्री है और हम जाएंगे आज पहलगाम। और अभी हम ब्रेकफास्ट करके आ गए हैं, वीडियो अभी डाल देंगे और अब हम पहलगाम जाएंगे। और हमारी कार है, आपको अभी तक हमने अपनी कार नहीं बताई। हमारी कार है इनोवा NAN नॉन AC। कार का नंबर बताना जरूर। और चलिए अब हम दिखाएंगे आपको वहाँ पर क्या क्या हम करते हैं और क्या क्या देखने को मिलेगा रास्ते में। कुछ अच्छा व्यू दिखेगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि पहलगाम में सबसे ज़्यादा माउंटेन्स होते हैं। तो वैसे पहलगाम में ठंड कम होती है, माउंटेन ज़्यादा, बारिश भी होती है। सुना मैंने वहाँ पर पहलगाम में बारिश ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर माउंटेन्स बहुत हैं। सबसे ज़्यादा माउंटेन है पूरे कश्मीर में, पहलगाम में ज़्यादा है। तो चलिए बाद में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। जैम एक और ब्रेड दे दो इसको। पराठा मैगी। तो हम निकल गए थे पहलगाम जाने के लिए। तो हमें यहाँ पहुँचने में, पहलगाम पहुँचने में 3 घंटे लगेंगे, 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। तो चलिए दिखाते हैं रास्ते का व्यू भी मैं आपको दिखाऊंगी। और अभी हम थोड़ी चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। और हमने कावा भी पिया था, बहुत अच्छा था, बहुत ही टेस्टी था। फर्स्ट टाइम पिया है हमने और काफ़ी टेस्टी। मैं सोचती थी कड़वा सा होगा, फीका सा, लेकिन मीठा था और बहुत ही यम्मी था। और उसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाले हुए थे और बहुत अच्छा था। ड्राई फ्रूट्स थी और केसर थी, जाफरान थी, वो थी। और यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी रिकॉर्ड कर ली थी। सड़क बहुत अच्छी है यहाँ की जो है ना। और यहाँ पर कश्मीर में हमने देखे थे कश्मीरी गुल्लू पेड़ होते हैं जिनसे क्रिकेट बैट बनता है, और हमने फैक्ट्री भी जाते हुए देखी थी। तो वो जो होते हैं ना, वो काफ़ी हल्का पेड़ होता है, वो भारी नहीं होता वो। तो फिर हम यहाँ पर एक गार्डन दिखा था, यहाँ सेब का है, एप्पल पॉइंट, एप्पल ट्रीज देखी हमने यहाँ पर। तो अंदर जाके हमने ग्रीन एप्पल जूस भी पिया था। हाँ, जूस पिया था, जूस भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। छोटा सा पुल बना होता है यहाँ पर बहुत सारे पेड़ थे एप्पल के इधर देखिए, और थोड़े बाहर आर्टिफिशियल एप्पल भी लगा रखे थे। हाँ, जैसे क्योंकि अब सीज़न नहीं है ना एप्पल का, इसलिए आर्टिफिशियल भी नहीं थे, कुछ कुछ थे, कुछ नहीं थे। मैं कुछ क्यों नहीं करूँ। और अभी सेब का सीज़न नहीं था, इसलिए हमें ग्रीन एप्पल नहीं। और हमने थोड़ा फ़ोटो खींचा था और बहुत बड़ा एप्पल का यहाँ पर बाग था। ये आंटी जी पूरे 5 kg एप्पल लेके जा रही है, उन्होंने बोला ही 2.5 महीने तक ख़राब नहीं होंगे, उन्होंने 5 किलो पैक करा लिए थे। और व्यू भी बहुत अच्छा है यहाँ पर ना, ट्रीज वाले ऑटम के जो ट्री होते हैं ना वाले बहुत सारे दिखे थे रास्ते में, रेड कलर के, येलो कलर के। अच्छा, यहाँ के जो घर होते हैं एकदम झोपड़े वाले काफ़ी अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। और रास्ते में देखिए यहाँ पर पेड़ अच्छे लग रहे थे मुझे, ये रेड कलर के, कॉटेज टाइप रेड येलो कलर के पेड़ मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे ऑटम में। और पत्तियाँ नीचे गिरी थी रास्ते में बहुत ज़्यादा, रोड में भी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे पेड़ थे ऑटम का। तो थोड़ा रास्ता मुझे काफ़ी अच्छा लगा, ऐसा नहीं था कि खाइयाँ वगैरह है, तो इसमें डर भी नहीं लगा बिल्कुल भी। और आज तो हमें तबीयत भी बिल्कुल, हम थके नहीं, वॉमिट भी फील नहीं हुआ, वैसे हर बार हुआ है। और ये जो रास्ता आप दिख रहा है बिल्कुल पतली सी सड़क, ये हमारे होटल की है जिससे हम होटल जा रहे हैं। और ये तो ऐसे ही ऊपर चढ़ के पहाड़ पे जाएंगे, उसके बाद हमारा रूम आएगा, अभी हम आपको दिखाएंगे।
आगे हमारा होटल ये देखिए, होटल होटल ग्रीन हाइट, ग्रीन हाइट। तो यही हमारा होटल है। कितनी पतली सड़क है और ऐसे ही घुमा रहे हैं ये गाड़ी को, ऐसे ही घूम घूम के हम ऊपर पहाड़ पे चढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी पूरा होटल। और बहुत अच्छा होटल है, आप देखिए अभी आगे। और अभी हम पहुंचने वाले अपने होटल में। कितना ऊपर आए आप समझ सकते हैं, हम कितना ऊपर आए इस गाड़ी से, बिल्कुल पतली सड़क से नीचे खाई गोल गोल सब हम घूमे जा रहे हैं, गोल गोल घूम के हम ऊपर पहुंचेंगे। और यहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है, देखिए होटल का हमारा व्यू बहुत अच्छा होगा। आप देख सकते हो कि कितना ऊपर आ गए हम। ये गाड़ी हमारी रुक गई थी, तो ये सामने जो दिख रहे हैं यहाँ से हमारी एंट्री है, तो अब उतरते हैं। ये अली के हाथ हैं, तुम्हारे हाथ नहीं मेरे हाथ हैं, छोटे छोटे लग रहे थे। उतरते ही डर लग रहा था। हम उतर गए ना, और ठंड भी लग रही थी यहाँ पर पहलगाम में, हम सोचे थे ज़्यादा ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ठंड थी। हम लोग काफ़ी ऊंचाई पर हैं, ऊंचाई पे ठंड होती ही है। हम गाड़ी से उतर के ठंड लगी थी, हमें लगा था यहाँ पर ठंड नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर भी ठंड है। और ये रहा होटल हमारा ग्रीन हाइट, होटल ग्रीन हाइट ही है, इसका ग्रीन हाइट ही नाम सही रखा है। और ये हमारे ड्राइवर हैं, इनका नाम है शाहिद। तो ये हम लोगों को घुमा रहे हैं यहाँ पर, जो भी फेमस जगह हैं या होटल ले जाना, कहीं पर भी घुमाना, ये हमें घुमा रहे हैं। तो अब हम एंट्री कर रहे हैं इसमें, और गेट देख लिए, कुछ नहीं ऊँचाई है यहाँ से दिख रहा है। हाँ ऊँचाई पर हैं हम बहुत। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से हमें थोड़ा व्यू लेने के लिए बना हुआ था रिसेप्शन के आगे, रिसेप्शन के आगे का है ये। तो हम लोगों ने थोड़ी सी वीडियो बना ली थी बच्चों की, और इधर से व्यू बहुत अच्छा आ रहा था, भी आ रही थी, और व्यू बहुत अच्छा है गाइस। कितनी ऊंचाई पर आ गए हम, कहाँ थे कहाँ पर पहुँच गए। हम सिटी से ऊपर आ गए। मैं ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही थी क्योंकि मुझे चक्कर आ रहे थे, ये देखिए नीचे की सड़क जहाँ से हम आए, तो चक्कर आ रहे थे, मुझे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रही, मोबाइल आगे कर रहा था मैंने खाली। व्यू बहुत अच्छा आया था। और अब हम एंटर हो रहे हैं अपने रूम में, रूम में जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, ऊपर हमारा रूम नंबर 218 है। ये सब लकड़ी का बना हुआ है, जो वुडन थीम है, टक 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 बच्चों ऐसी आवाज आ रही थी। हाँ वुडन थीम है पूरे होटल की गाइस, वैसे तो ग्रीन हाइट है लेकिन वुडन थीम है। तो ये हमारा रूम, काफी अच्छा रूम है, और टू साइड से हम देख सकते हैं इसका बाहर का व्यू, इधर से बाहर का टू साइड से व्यू, बहुत अच्छे अच्छे व्यू है। थोड़ा व्यू आया था पेड़ों का, और अभी हम वेट ही कर रहे हैं लंच का। अभी यहाँ पर कोई भी नहीं है, सब खा के चले गए, हम थोड़ा लेट पहुँचे थे यहाँ पर, और सब खा के भी चले गए। और ये हमारा होटल ही है, थोड़ा ऊपर से भी। और अभी हम अब्दुल रहमान में टीवी देख रहे थे।
अली भी टीवी देख रहा था और ये बाहर से रात को अच्छा व्यू आता है, लाइट नहीं हो रही थी। बाहर से जो होटल है दूर दूर का व्यू दिख रहा था, लाइटें जल रही थी और लाइटनिंग आपको कैमरे में ज्यादा नहीं दिख रही होगी, काफी अच्छा लग रहा था रात में भी है लाइटें। हम लोग आ गए थे अब डिनर के लिए। डिनर में वही दाल थी, दाल मखनी थी, चावल थे और चिकन सॉरी पनीर टिक्का था और दम आलू था, क्या होता है वो था, अली के लिए लादो राइस, चिकन पालक भी था और बाद में मैंने खीर भी थी, तो खीर भी थी यहाँ पर अच्छी बनी हुई थी, इसमें ज़ाफ़रान डली हुई थी। उसके बाद हम लोग बाहर निकले थे तो बाहर का व्यू जो था हमने दिखाया रात में आपको, ऐसा था ये, कितना अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, ये रात का अलग मज़ा है इसमें। इसको वहाँ से बुला लो यार प्लीज, ये दूर से ये घर दिख रहे हैं, ये दूर वाले होटल है, ये इधर आओ, इधर बुला लो, अली चलो। ज़्यादा भाग रहा था, मुझे डर लग रहा था। तो गाइस आज की वीडियो बस इतनी थी, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और अब अली बोलेंगे आपकी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो तो लाइक करें, तो आप वीडियो बदल नहीं ना लाइक जरूर करना गाइस, तो पता नहीं ना तो डिसलाइक। अच्छा चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल पे सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, बहुत लोगों ने बेल आइकन नहीं दबा रखा है, बेल आइकन दबा के ऑल पे सेट कर दीजिए। और कल का व्लॉग कल हम यहीं पर रहेंगे पहलगाम में, हम घूमेंगे, आज तो हम घूमे नहीं है, हम कल दो तीन जगह गए थे बस घूमने, ऐसी शॉपिंग वगैरह करी थी। कल हम घूमने जाएंगे, बहुत सारी जगह जाएंगे, 6 पॉइंट है पहलगाम में भी, और देखिए। और आज की वीडियो बस इतनी ही थी, और अगर मैं दोबारा की रिपीट कर रहा हूँ तो बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अली बाय बोलो कि बाय, टेक केयर, बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, बाय बाय।